हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आप सब जानते हैं आ चुका है और हम सब ने इस बार क्लियर करना है। अच्छे से पूरा जोर लगा देंगे इसको क्लियर करने के लिए। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पहले उसके पिछले साल के कुछ पेपर देख लें कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो 2018 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। 18 का भी डिस्कस करेंगे, 15, 14, 12 चार पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ताकि आपको एक अच्छे से क्लियरली आइडिया लग जाए। उसके अलावा नीचे हमने आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर पेपर्स पास के पेपर्स डले भी हुए हैं विद आंसर कीज, और उनके साथ उनकी वीडियोस भी साथ साथ जो है जैसे जैसे अपलोड होती रहेंगी डलती रहेंगी। तो आप वहाँ से जाकर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो और आंसर फीस भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 2018 में, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस को, समझते हैं कि ये एक ही हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अलग अलग ये सब्जेक्ट्स हैं तो हमने अलग अलग करके ही डिस्टिंक्शन करके ही इनकी पढ़नी है, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे आपके जो 2018 में थे, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, ओके। और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द आंसर किया जाएगा। और इसकी PDF आपको लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको PDF इसकी मिल जाएगी लेक्चर के बाद। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन। 1775 में पहला बैटल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक तो अब मैं आपको इसमें तीन रेवोल्यूशन हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रहते हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में। एक आ जाता है सबसे पहले आपका आ जाता है अमेरिकन रेवोल्यूशन, दूसरा आ जाता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, और थर्ड नंबर पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रेवोल्यूशन है, दैट इज़ योर रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। और अगर रेवोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं तो एक और रेवोल्यूशन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इन चार रेवोल्यूशंस में से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये चार टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन चार टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने के लिए आपको कहीं ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इनका मेन जो सोर्स है वो है NCERTs, ठीक है। NCERTs अगर आपने अच्छे से कर ली, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है पेड कोर्स जो है हमारा पूरा PCS का है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम आपको अच्छे से डिटेल में कवर कराएंगे, तो वहाँ से भी आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में 1775 में पहला बैटल जो ब्रिटिश सोल्जर्स और कलोनियल मिलिशिया यानी कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज थे उनके बीच में जो लड़ा गया लड़ाई 1775 में, पहला लड़ाई थी अमेरिकन रेवोल्यूशन की, ये कहाँ पर लड़ी गई? बॉस्टन में, लेसिंगटन में, जेम्सटाउन में या ट्रेंटन में? इसका क्या आंसर होगा बच्चों? अब ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है और इस बैटल के बारे में पढ़ा है तभी आप इसका आंसर कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें तुक्केबाजी नहीं कर सकते। तो आंसर इसका क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ लेक्सिंगटन, ठीक है। तो लेक्सिंगटन में आपका ये पहला लड़ाई लड़ा गया था। थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख लेते हैं। अब बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड वर द फर्स्ट मिलिट्री एंगेजमेंट, पहली मिलिट्री एंगेजमेंट थी ये अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर की, ठीक है। और 19 अप्रैल 1775 को ये लड़ा गया। अब देखो 19 अप्रैल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 1775 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो पिछला सवाल था आपका, इसमें आपको साल पहले से गिवन था, लेकिन एग्जामिनर आपसे साल भी पूछ सकता है पंजाब के पेपर में, ठीक है। पंजाब PCS में आपसे साल भी पूछा जा सकता है। वो ये कह देगा कि पहला बैटल अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो ब्रिटिश सोल्जर्स और कॉलोनियल मिलिशिया के बीच में लड़ा गया लेक्सिंगटन में, वो कौन से साल में लड़ा गया था? तो आपको चार ऑप्शन दे देगा, 1770, 1775, 1780, 1785। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज़ लेक्सिंगटन, ठीक है, कि भैया 1775 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ऑलराइट, और ये यहीं से जो है ग्रेट ब्रिटेन के साथ अमेरिकन जो कॉलोनीज थी उनकी लड़ाई यहाँ से ही शुरू हो जाती है। ऑलराइट, तो इस तरह के सवालों के लिए आपको रेडी रहना है। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो अगर आप ज़्यादातर क्वेश्चंस एनालाइज करो तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इनमें आप कोई एलिमिनेशन मेथड या ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगा दोगे इतनी आसानी से, तो आपको आता है या आपको नहीं आता है, ठीक है। लेकिन तुक्के तो हमने लगानी है क्योंकि PCS में हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन तो सारे के सारे अटेम्प्ट हमने करके ही आने हैं, किसी भी हालत में हमने जो है वो तो छोड़ना ही नहीं है, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्लादिमीर इलिच उलियानोव वाज पॉपुलरली नोन एज, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज, ये ओरिजिनल नेम है और ये पॉपुलर नेम है, समझ रहे हो? जैसे सलमान खान का पॉपुलर नेम क्या है? भाई, है ना? तो वैसे ही पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग होते हैं या नेशनल लीडर्स में भी कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ पॉपुलर नेम होता है, जैसे महात्मा गांधी तो पॉपुलर नेम है लेकिन असली नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था ना, ठीक है? तो व्लादिमीर इलिच उलियानोव किसका ओरिजिनल नेम है? स्टालिन का, लेनिन का, करेंस्की का या लियोन ट्रॉस्टॉय का? चारों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या है? ऑप्शन बी, लेनिन। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आता है या नहीं आता है, तुक्का लगाने से नहीं होगा। एग्जामिनर अब देखो इसी तरह से आपको स्टालिन का पॉपुलर नेम दे देता कि भाई स्टालिन का पॉपुलर नेम क्या है, कोई पॉपुलर नेम तो स्टालिन का दे देता, पूछ लेता ये किसका पॉपुलर नेम है, करेंस्की का दे देता, लियोन ट्रॉस्टॉय का दे देता, किसी का भी दे देता। ओके चलो कुछ लेनिन से रिलेटेड अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो लेनिन यानी कि व्लादिमीर इलिच उलियानोव 1870 में जन्म हुआ, 1924 में डेथ हो गई, ठीक है? रशियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने 1917 का रशियन रेवोल्यूशन के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे और पॉलिटिशियन थे, ठीक है? रशियन रेवोल्यूशन के बाद हेड ऑफ गवर्नमेंट बने सोवियत रशिया के 1917 से लेकर 1924 तक, और सोवियत यूनियन, देखो सोवियत रशिया इज करंट रशिया, और सोवियत यूनियन में जो बाकी का यूएसएसआर जो बना था पूरा, जो 1990 में डिसइंटीग्रेट हो गया, उसमें यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश आते थे, तो उस यूनियन के भी ये हेड रहे 1922 से लेकर 1924 तक, ठीक है? इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रशिया जो है बाद में जो सोवियत यूनियन बना वहाँ पर वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट गवर्नमेंट आई, ठीक है? तो एक पार्टी सिर्फ जो है वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, वो वाली चीज़ आई। आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट थे, इन्होंने कुछ वेरिएशंस लेकर आए मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट में, इसी वजह से जो लेनिन का कम्युनिस्ट था उसको लेनिनिज्म कहा जाने लगा। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, अगेन सवाल इनमें से बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स वॉज अ पीस ट्रीटी साइंड बिटवीन विच काउंटीज, ठीक है? ये पर्टिकुलर ट्रीटी किन दो देशों के बीच में साइन की गई? वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, ये दोनों ही वॉर्स आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्रीटीज़ के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सी ट्रीटीज़ किसके बीच में साइन की गई। बैटल्स के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है अगर कोई इंपॉर्टेंट बैटल था। मिशंस के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि भाई कहीं कोई भी इंपॉर्टेंट मिशन हुआ, ठीक है? उसके अलावा पर्सनालिटी ओरिएंटेड सवाल पूछा जा सकता है, वर्ल्ड वॉर में जो भी पर्सनालिटीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू तो आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, और अर्जुन देव इज़ द मोस्ट परफेक्ट बुक फॉर रीडिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है। तो ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क किसके बीच में साइन की गई थी बच्चों? ये साइन की गई थी रशिया और सेंट्रल पावर्स के बीच में, ठीक है? थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं इस ट्रीटी का क्या था। तो सेंट्रल पावर्स उस समय में जो गुट था वो थे, उसमें आते थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है? और एक होता था आपका जो है एलाइड पावर्स थी यूके, और यूके के साथ फ्रेंच, फ्रांस वगैरह जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो सारी आ जाती थी आपकी एलाइड पावर्स में। तो ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क जो है रशिया और सेंट्रल पावर्स के बीच में साइन की गई 1918 में, ठीक है? जो रशिया में नई बोल्शेविक गवर्नमेंट बनी थी जिसके हेड जो थे लेनिन थे, लेनिन ने ये ट्रीटी साइन की सेंट्रल पावर्स के साथ, और इस ट्रीटी के साथ रशिया ने वर्ल्ड वॉर वन में अपनी पार्टिसिपेशन को ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया कि रशिया अब वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है? और इस ट्रीटी को रशिया ने साइन किया, उसके बाद रशिया ने जितना भी उनके उनकी एलाइड पावर्स के साथ संधि थी, यूके या फ्रांस वगैरह के साथ संधि थी, उनको ख़त्म कर दिया, और जिन 11 देशों पर रशिया ने वॉर के समय में कब्जा किया था उनको भी इंडिपेंडेंस दे दी, ठीक है? तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क वॉज अ ट्रीटी साइंड बिटवीन योर सेंट्रल पावर्स एंड योर यूएसएसआर, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर फोर्स्ड टू अपेंड देयर सिग्नेचर ऑन ट्रीटी ऑफ वर्सालिस इन 1919। इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन 90% बच्चे आंसर नहीं कर पाते, और 90% बच्चे क्यों इसको आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि ये ना आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ना ये आपको अर्जुन देव में मिलेगा, किसी ने पीएचडी कर रखी हो या बहुत डिटेल में पढ़ रखा हो तो ही वो इसका आंसर कर सकता है। तो वहाँ पर जाकर ये नहीं हो जाना, मायूस नहीं हो जाना कि मैंने इतनी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी फिर भी मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता। देखो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के बारे में हम पढ़ते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के बारे में आप एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे, अर्जुन देव में भी पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सालिस को, कि हाउ ट्रीटी ऑफ वर्सालिस इन 1919 सोड द सीड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू,
कि इसने 1919 में ही वर्ल्ड वॉर टू के बीच बो दिए थे ट्रीटी ऑफ वर्सालिस ने, क्योंकि जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया गया था इस ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के थ्रू, ठीक है। लेकिन इस तरह का सवाल कुछ नहीं पूछा आपसे, तो ये पूछ लिया कि जर्मनी की तरफ से किन दो लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्सालिस पे साइन किया। अब ये तो अगर आपने कहीं पढ़ा तभी आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये नहीं आंसर कर पाओ पेपर में तो अपनी तैयारी के ऊपर शक मत करना, ठीक है। 90% बच्चों को नहीं आता होगा ये क्वेश्चन। लेकिन इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा म्यूलर एंड बेल। ये जो दो लोग थे इन्होंने जर्मनी की तरफ से ट्रीटी ऑफ वर्सालिस पे सिग्नेचर किए थे। अब ट्रीटी ऑफ वर्सालिस क्या है, इसमें क्या था, ये सब आपने पेड कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आप ज़रूर एक बार उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन बारबारोसा वॉज द कोड नेम फॉर इन्वेजन ऑन विच कंट्री। अगेन वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ल्ड वॉर में ऑपरेशन से रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। तो सवाल पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर ऑपरेशन के थ्रू कौन से देश के ऊपर इन्वेड किया गया, ठीक है। तो इन्वेड किया गया था USSR के ऊपर, आंसर है इसका डी। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि ऑपरेशन बारबारोसा में USSR के ऊपर इन्वेड करने वाले कौन थे, ठीक है। तो इन्वेड करने वाले कौन थे, इन्वेड करने वाले थे हमारे हिटलर भाई साहब, दैट इज जर्मनी। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो ऑपरेशन बारबारोसा एक्सिस इन्वेजन था, एक्सिस इन्वेजन, एक्सिस पावर्स कौन थे उस समय में, जर्मनी, जापान, इटली, ये सारे एक्सिस पावर्स थे जो लड़ रहे थे ब्रिटेन और यूएस के खिलाफ, ठीक है। तो इन्होंने सोवियत यूनियन को इन्वेड किया 1941 में, और इन्वेड करने का जर्मनी का मेन रीज़न क्या था कि वो किसी तरह से सोवियत जो कम्युनिज्म फैल रहा था सोवियत यूएसएसआर से, उसको उस कम्युनिज्म को वो ख़त्म करना चाहते थे, और हिटलर साहब ये भी सोचते थे कि वो यूएसएसआर को कैप्चर करके उसको जर्मन्स को दे देंगे और रीपॉपुलेट कर देंगे जर्मन्स के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के फैक्चुअल सवाल आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, ओके। तो ऑलराइट बच्चों, ये थे हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के पांच सवाल। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि PCS का हमारा फास्ट ट्रैक पेड कोर्स चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, आप उसको जाकर के प्लीज़ एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। और ये सारे वीडियोस जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं इसके भी आपको PDFs मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही उनको डाउनलोड करने का लिंक रहेगा। चलिए, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, या आप लिख सकते हैं हमें shikshit@gmail.com पर, ठीक है। इसके अलावा हमारी एक और सीरीज चल रही है विरसा पंजाब का, जिसमें हम पंजाब रिलेटेड GK जो है सारी डिस्कस कर रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय।